मेहमान किसी का पुरजोश इस्तेमाल करते हुए अतिया पेश कर रहे हैं, उनके लिए जोरदार तालियां की मैं गुजारिश करता हूं। स्टेज पर हमारे साथ बैठे हुए हैं शेख समीम साहब, चेयरमैन आरिफ हाउसिंग सोसाइटी। जनाब सत्येंद्र दलवी साहब से दैनिक लोकमत के एडिटर, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आ जाए। मैं अमिताभ श्रीवास्तव साहब से भी गुजारिश करूंगा, एडिटर लोकमत समाचार, कि वो स्टेज पर आ जाए। मैं फसी खान साहब से गुजारिश करता हूं, रिटायर्ड DYSP, वो स्टेज पर आ जाए। जनाब फसी साहब, जनाब सत्येंद्र दलवी साहब से दैनिक लोकमत के एडिटर, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आ जाए। मैं अमिताभ श्रीवास्तव साहब से भी गुजारिश करूंगा, एडिटर लोकमत समाचार, कि वो स्टेज पर आ जाए। मैं फसी खान साहब से गुजारिश करता हूं, रिटायर्ड DYSP, वो स्टेज पर आ जाए। जनाब फसी साहब, पहले दलवी साहब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे हाउसिंग सोसाइटी की तो एक पुराना किस्सा याद आया। इस इलाके में बब्बू तब नगर सेवक हुआ करते थे, करेक्ट? नासिर खान बब्बू यहाँ नगर सेवक हुआ करते थे, और मैं MACB यानी एनर्जी का मैं मिनिस्टर था, यहाँ एनर्जी का मिनिस्टर महाराष्ट्र का था मैं, और मैं यहाँ आया। मेरा सत्कार चल रहा था, सत्कार से यहाँ आरिफ हाउसिंग सोसाइटी के कुछ प्रॉब्लम्स थे, उसके लिए मैं यहाँ आया हुआ था। जब वहाँ सबके तकरीर हो गई और मैं मेरे तकरीर के लिए खड़ा हुआ, तो दो चार मिनट बात करने के बाद में उन दिनों में मेरे PA यहाँ शेख साहब हुआ करते थे, भड़कल गेट वाले शेख साहब हुआ करते थे, तो उन्होंने एक चिट्ठी भेजी कि सर थोड़ा ऊपर देखना करके, भाषण कर रहे हैं आप ऊपर देखिए। जब और मैं एनर्जी डिपार्टमेंट का मिनिस्टर था, बिजली खाता का मिनिस्टर था, जब ऊपर देखा तो समझ में आया
और मैं उस पे भाषण दे रहा हूँ कि भैया बिजली के पेमेंट करो और बिजली की चोरी नहीं होनी चाहिए। और जब मैंने देखा, मैंने उन्हें नमस्कार किया, भैया आप यहाँ मत कर, कम से कम मेरे प्रोग्राम में मत किया करिए। तो ये सारी पल की ये याद आई मुझे आज। लोकमत रक्ताचं नातं, आरिफ कॉलनी के सभी मेंबर्स, ग्लोबल फाउंडेशन, इन सभी के माध्यम से आज यहां जो ब्लड डोनेशन कैंप शुरू हुआ है, उसके लिए यहां उपस्थित आरिफ कॉलोनी के आरिफ हाउसिंग सोसाइटी के अध्यक्ष शेख शमीम साहब, इस इलाके के पुराने कॉर्पोरेटर जबीर कादरी साहब, ग्लोबल फाउंडेशन के सभी सदस्य, मिसेस रिजवान शमीम जी, फसीह खान साहब, लोकमत के एडिटर चक्रधर दलवी जी, लोकमत समाचार के एडिटर अमिताभ श्रीवास्तव जी, लोकमत टाइम्स के एडिटर योगेश गोले जी, मेरे साथ आए हुए यूसुफ भाई, आरिफ कॉलोनी के सभी मेम्बरान और सही यानी सारे ब्लड डोनर्स, मैं सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने इस जगह ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया। सही बात यह है कि आज ब्लड का शॉर्टेज है पूरे महाराष्ट्र में। कोविड के बाद, कोरोना के बाद जब गाड़ियां चलने लगी तो एक्सीडेंट्स होने लग गए, ब्लड की आवश्यकता, ब्लड की कमी महसूस हो रही है। उसी तरह से पिछले साल सवा साल में जो ऑपरेशंस बाजू में रखे थे वो ऑपरेशन भी करने की आवश्यकता है। और जब 2 जुलाई को लोकमत के संस्थापक संपादक बाबूजी जवाहरलाल जी दलडा, इनके जन्मदिन पर जब हम लोगों ने देखा कि पूरे महाराष्ट्र में 19,000 बॉटल खून है पूरे महाराष्ट्र में, और हर रोज हमें 5,000 ब्लड की बॉटल लग सकती है, यानी हमारे पास 4 दिन का भी खून नहीं था। और इसलिए लोकमत के माध्यम से लोकमत रक्ताचं नातं यह एक उपक्रम, ये ड्राइव शुरू किया गया, और देखते देखते सारे महाराष्ट्र में आज करीब 450 के करीब कैंप्स हो गए, और 22,000 कल रात तक 22,000 बॉटल ब्लड हमारे पास है। और मुझे विश्वास है कि इस हफ्ते में 31,000 बॉटल तक हम निश्चित पहुंच जाएंगे। लेकिन ये क्यों हो पाया? क्योंकि यहां सबको समझ में आया कि इंसान का जो खून है, आप अपने आप को अलग अलग जाति का, अलग अलग धर्म की बात कर लीजिए, लेकिन जब खून की बात आती है तो हम सब एक है, ये सबको पता चलता है। पहले ही दिन हमने देखा जब लोकमत में भी ब्लड ड्राइव हुआ, ब्लड डोनेशन ड्राइव, तो किराड़पुरा से, नारे गांव से, सब तरफ से सारे लोग आ रहे थे। और मैं आपको भी मुबारकबाद इसलिए ही देता हूं कि आपने इतने बड़े पैमाने में आज यह कैंप यहां बनाया है। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन यहां शमीम साहब आपने बात की इस इलाके की, आपके पिताजी खुद ही अपने आप में बहुत बड़े व्यक्ति रहे इस शहर के,
और उनका आशीर्वाद मुझे भी मिला है। और जैसे भाई रवि साहब ने कहा कि इस औरंगाबाद का 15 साल खिदमत करने का मौका मिला है एमएलए के नाते, और उसमें से 10 साल आपका इलाका, 10 साल तक आपका इलाका 99 से लेके तो 2009 तक, यानी दो टर्म मैं आप ही के इलाके से चुन के आते रहा, आपके इलाके के वोट मुझे गिरते रहे। और 2009 के बाद में जब कॉन्स्टिट्यूंसी अलग हुई तो मुझे अलग इलाके में पूर्व में जाके चुनाव मैंने लड़ा। खैर पॉलिटिक्स होता है जाता है, लेकिन मैंने जिंदगी में पॉलिटिक्स नाम की चीज नहीं की, शहर का विकास यही मेरे लिए एक चीज थी। और आज फिर एक बार मैं इतना ही कहूंगा कि आपके काजी साहब ने बहुत काम किया है, आने वाले दिनों में भी यह काम होने ही वाला है, लेकिन लोकमत के माध्यम से जहां जहां अथॉरिटीज पे के सामने जब बात लाने की बात होगी तो मेरे तीनों अखबार आपको इसलिए साथ में रहेंगे। शुक्रिया, नमस्कार। आज कॉलोनी की खवातीन ने भी इस ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लिया, 27 के भरपूर काबिले तारीफ। मैं समझता हूँ तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। आप रुको यहीं, वैसे ठीक है, आपके हाथ में वो रखिए ना। मोहतरम सिद्दीक जी यहाँ पर हैं, ये इस कॉलोनी की यंगेस्ट ब्लड डोनर है। ये तीनों आप प्लीज ऐसा पकड़ के देखिए, हां सही बता रखे हैं। आ करेक्ट मोड़ ठीक है, आ जाओ ना, आ जाओ ना, हम लोग क्लोज आ जाओ, कोई बात नहीं, कोविड में और क्लोज आ जाओ, चलो बहुत बहुत शुक्रिया। कॉलोनी मोहम्मद अमान सिद्दीकी, सैयद आसिफ, मिर्जा फराज बेग, रजियाउद्दीन सिद्दीकी, अकरम सैयद, फर्स्ट टाइम, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत इमरान, ये भी यंगेस्ट है, ये रिपोर्टर जनाब सलीम साहब के पर्सन है। मोहम्मद अमान सिद्दीकी, सैयद आसिफ, मिर्जा फराज बेग,
रजियुद्दीन सिद्दीकी। अकरम सैयद ये सर, ये पूरे महाराष्ट्र में आपका ये प्रोग्राम चल रहा है तो आपको क्या उम्मीद है, कितने ब्लड मिल सकते हैं? ऐसा है, लोकमत रक्ताचं नातं और आरिफ हाउसिंग सोसाइटी, ग्लोबल फाउंडेशन, इन सभी के माध्यम से ये ब्लड डोनेशन अभी यहाँ हुआ है। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में करीब करीब 450 कैंप्स आज हो चुके, अभी तक हो चुके हैं, और मैं मानता हूं कि 25,000 बॉटल्स पे हम लोग पहुंच चुके हैं, और लोगों का जो एक उत्साह है वो बहुत ज़बरदस्त है। लोग आगे आ रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है कि खून ये ऐसी चीज़ है कि जो बन नहीं सकती, कोई फैक्ट्री में नहीं बन सकती, और लोगों के मन में जो डर था कि ब्लड दिया तो क्या होगा क्या नहीं, तो आज एक बात ध्यान में आई कि लोगों में का जो डर था वो निकल चुका है। पिछले 15 दिन 10 दिन हम लोगों ने जो काम किया है, और मैं महाराष्ट्र के सभी जनता का और विशेष करके ब्लड डोनर्स का तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी वजह से आज ब्लड बैंक्स में काफ़ी ब्लड जमा हो गया है। और मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने भी लोगों तक हमारी बात को पहुँचा रहे हैं। शुक्रिया।